हमने दूरदर्शन के माध्यम से महाभारत देखी, हिंदू देवी देवताओं के जागरण, साईं संध्या, ये सब देखने को मिलते थे, लेकिन श्री गुरु रविदास जी के बारे में कुछ देखने को नहीं मिलता था। हमने सोचा कि देश के अंदर जो सबसे ज़्यादा संख्या में रहने वाला एक समाज है, जिसको हम चमार कहते हैं, जाटव कहते हैं, तो अनेक प्रकार से देश के प्रत्येक गांव के अंदर जिसका निवास है, उसके कार्यक्रम क्यों नहीं टेलीविज़न के ऊपर आते, दूरदर्शन पर क्यों नहीं आते। तब हमारे मन में आया कि श्री गुरु रविदास जी की कथाओं के माध्यम से हम अपने समाज को जागृत करने का काम करेंगे। जो है 10 मार्च 2010 को पहली कथा का आयोजन हमने हरिद्वार से प्रारंभ किया, और तब से लेकर अनेकों कथाओं के माध्यम से हमने अपनी रविदास जी की वाणियों का प्रचार प्रसार किया, और आज श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ के माध्यम से अनेकों कार्यक्रम हुए, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री, माननीय राष्ट्रपति महोदय, अनेकों गवर्नर महोदय उस कार्यक्रम में शिरकत कर चुके हैं। तो अपने मन में ये विचार इसी सनातनी परंपरा को मजबूत करने के लिए कि हमारा जो एक वर्ग है जिसको 22.5% का भारत सरकार के द्वारा प्रमाण पत्र मिला है, वो 30% से ज़्यादा है, अर्थात हम कहें कि हमारी संख्या चंवर समाज की देश के अंदर 30 करोड़ से भी ज़्यादा है, तो उसको भी एक प्लेटफार्म मिलना चाहिए। तो चाहे वो किसी भी दल का व्यक्ति हो, हमने उसको इसमें सम्मिलित किया और इस विषय को आगे बढ़ाने का काम किया, और जो रेस्पॉन्स मिला वो देश और दुनिया के अंदर वो बहुत बड़ा रेस्पॉन्स हमें मिलता है, और सब जगह पीठ के लोग खड़े हैं। अभी जब हरिद्वार का महाकुंभ हुआ, बहुत बड़ा आयोजन शाही स्नान का रविदास पीठ के माध्यम से हुआ, तो उसकी जलेसी के अंदर बहुत सारे इस तरह के आयोजन किए गए कि कुछ लोगों ने मिलकर किसी तरह से पीठ को और पीठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बदनाम करने का प्रयास भी किया, खींचने का काम भी किया, लेकिन अपार जनता का जो सहयोग जब मिलता है, समाज जब साथ खड़ा हो जाता, तो इन बातों की चिंता नहीं करनी चाहिए। और आज रविदास पीठ मजबूती के साथ खड़ी है, उनके हौसले पस्त हो गए हैं, और अब भारत के अंदर नहीं, अनेकों देशों के अंदर जो पीठ के काम चलते हैं, लोग उसकी सराहना करते हैं। मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा, एज ए रविदासाचार्य के नाते देश की दसों दिशाओं में रविदास जी की वाणियों का, उनके जीवन चरित्र का, उनका प्रचार प्रसार केवल यहीं तक सीमित नहीं है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। श्री गुरु रविदास जी ने अपनी ज्ञान, भक्ति और विवेक के आधार पर परमपिता परमेश्वर को पाने का काम किया था। गंगा मैया ने अनेकों बार उनका कठौती के अंदर उत्पन्न होना, या उनको गंगा मैया के द्वारा स्वयं कंगन देना, तो ये एक ऐसा काशी के अंदर जब वो अपने पिता की चिता को अग्नि दे रहे थे, तो उस समय की आडंबरवादी व्यवस्थाओं के कारण उनको वहाँ नहीं जलाने दिया, तो जब दूसरी छोर पर लेके गए तो गंगा मैया ने स्वयं आकर उनकी अस्थियों को उल्टा गंगा मैया ने बहाकर विसर्जन किया। तो ये सब प्रमाणिकता है, जिस तरह से रामायण की प्रमाणिकता है, जिस प्रकार से गीता की प्रमाणिकता, उसी प्रकार से रविदास कथा की प्रमाणिकता है। और इस सनातन को मजबूत करने की दृष्टि से हम जो काम कर रहे हैं, वो देश के अंदर एक अलौकिक काम है, सनातन परंपरा से जोड़ने का काम है। हम देश के हर राज्य में जा रहे हैं, इस क्षेत्र में हमारा काम कम था, हमने कहा इसको भी मजबूत किया जाए, यहाँ पर भी हिंदुत्व का बहुत भाव है, रविदास समाज के लोग बहुत रहते हैं, चर्मकार समाज के लोग रहते हैं, रापी सम्मेलन करते हैं, अनेक प्रकार से जो महाराष्ट्र के अंदर हैं, अनेक सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो रविदास समाज के लोग रहते हैं, उनको जागृत करना, कथाओं के माध्यम से जोड़ना, अपनी पीठ के माध्यम से जोड़ना, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनिक की कटिक जल तरेंगे जैसा। वो जो गुरु मंत्र दिया हमने, जो कल्पना संविधान को बनाते हुए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि रविदास जी के संविधान को, इतिहास को पढ़ा, और उन्होंने कहा कि ऐसा चाहूँ राज में मिले सब अनुकुआन, छोट बड़े और सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। इसी योजना को माननीय मोदी जी ने जमीन पर उतारने का काम किया, निःशुल्क भोजन देने का काम किया, सबको मकान देने का काम किया, आडंबरवादी व्यवस्था को तोड़ने का काम किया, स्वयं रविदास जी के मंदिर में जाकर एक नहीं दो बार पूजा करने का काम किया। रविदास जी जहाँ पर कैदा हुए हमारे गुरु जी, उस काशी के अंदर उन्होंने 2,500 करोड़ रुपये की वाटिका वगैरह और मंदिरों का सौंदर्यकरण, ये सब कराने का पीछे उनका ध्येय जो है वो इस सनातन परंपरा को मजबूत करना और हमारे समाज को आगे बढ़ाना का। मैं निश्चित रूप से, आज युवा बहुत जागरूक है, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से हम अपील करते रहते हैं, आज स्वयं
हाजिर होकर मैं और मेरे महामंत्री सूरज कैरो जी ये अपील करेंगे कि इस महाराष्ट्र को भी मजबूत किया जाए, तेलंगाना को मजबूत किया जाए, आंध्रा को मजबूत किया जाए और कर्नाटक राज्य को भी मजबूत किया जाए। यहाँ पर भी बहुतात संख्या में रविदास समाज के लोग रहते हैं और वो अपना प्रचार प्रसार नहीं कर पाते, अब पीठ के माध्यम से वो आ रहे हैं और हम सब लोगों से जुड़ रहे हैं। हम ये अपील करेंगे कि आने वाले कार्यक्रम में वो अपनी शिरकत करें और रविदास जी की जो वाणी है उनका प्रचार प्रसार करते हुए सनातन को मजबूत करने का काम करें। गुरु जी के संदेशों को, उनकी वाणियों को लोग अंगीकार करें, उन्हें सुने, उन्हें समझें, हमारे गुरु जी क्या थे, कैसे थे, उनके इतिहास को जानें। इस निमित्त जो हो युवा को भी जागृत कर रहे हैं और साथ ही साथ समाज को भी जागृत कर रहे हैं। आज बिखरे हुए समाज को एकजुट करना एक बहुत बड़ी चुनौती वाला काम है। उसके निमित्त माननीय अध्यक्ष जी ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर प्रांत के अंदर इसका गठन किया हुआ है, हर प्रांत में इसका गठन है, जिले तक इसका गठन है और अनेक गतिविधियाँ जैसा भी वहाँ से मार्गदर्शन मिलता है माननीय अध्यक्ष जी का, उसी अनुरूप पूरे देश के अंदर वो कार्यक्रम को हम लोग अंजाम देते हैं। मैं बात करूँ तो मध्य प्रदेश की, तो मैं मध्य प्रदेश के अंदर अहिरवार समाज परिषद का मैं अध्यक्ष हूँ। अहिरवार समाज परिषद ही नहीं है, जांगड़ा समाज है, सूर्यवंशी समाज है, कुरील समाज है और भी अन्य समाज इसके अंदर जुड़े हुए हैं। कम से कम 20 तरह की उपजातियाँ ऐसी हैं जो वास्तव में बिखरी हुई हैं। उन सभी जातियों को एक करके गुरु रविदास अनुयायी समाज का नाम देना, उस नाते सबको जोड़ना, तो निश्चित रूप से यदि छोटी छोटी दीवारें जो होती हैं उपजातियों की वो टूटती हैं तो आंगन भी बड़ा होता है और समाज भी संगठित होता है। कई कार्यक्रम लोग करते हैं या समाज में कोई विशेष गुरु जी के नाम से कोई स्थापना करने, जैसे कि हमारे यहाँ इंदौर के अंदर ही गुरु रविदास द्वार एक करोड़ की लागत से शासन ने खुद बनवा करके वहाँ पर दिया, जिससे कम से कम वो द्वार देख करके एक आम जन और आने वाली नई पीढ़ी जो है वो देखे और गुरु जी कौन थे, क्या थे और उनका इतिहास क्या था और वो हमारे लिए किस तरह से हमारे लिए गौरवान्वित करने वाले हमारे गुरु थे, इस बात का संदेश सीधे सीधे हम सबको मिलता है। अभी जैसे माननीय अध्यक्ष जी ने आपके सामने बहुत अच्छी बात बोली है, क्योंकि धर्म परिवर्तन जो है केवल वो प्रलोभन के कारण कुछ जो संस्थाएँ हैं वो कहीं ना कहीं प्रलोभन देकर के उनको कहीं ना कहीं वो आकर्षित करती हैं, क्योंकि आज की तारीख में अभाव के अंदर व्यक्ति कुछ भी कुछ करने के लिए मतलब उत्साहित हो जाता है और उधर प्रोत्साहित हो जाता है वो, तो उसके लिए हम लोग जो है उसको बाकायदा आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत उसको हम स्वावलंबी बना रहे हैं। मान सम्मान स्वाभिमान का जीवन क्या होता है उसे हम लोग बता रहे हैं, साथ ही साथ उसको हम कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से रोजगार की ओर अग्रसित करके, शिक्षित करके, उसकी सामाजिक स्थिति को सुदृढ़ करके हम ये प्रयास कर रहे हैं कि आज हमारे समाज में वो जुड़ा रहे और किसी प्रकार से अन्य समाज के प्रति प्रलोभन के कारण आकर्षित ना हो। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।